और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय। आखिरकार तो सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं आखिर निधि के बर्ताव से। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लूत्र परिवार की टक्कर अब होगी दो लोगों के साथ में, प्रीता के साथ में और साथ में निधि के साथ में, क्योंकि इस समय राखी माँ और निधि की बहुत बड़ी फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि राखी माँ को लगातार टॉर्चर कर रही है निधि। वहीं बात की जाए तो करण ने इस चीज़ में इंटरफेयर करना ही बंद कर दिया है। करण का मानना यह है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, खाली मैं अपना काम कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी के मामलों में इंटरफेयर करूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ में हुआ है वो मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है और इस चीज़ को मैं कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि जो हुआ है उसे ना ही मैं भूल सकता। और वाकई में दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा एक अलग ही टेंशन के साथ में नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से लगातार सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और डरे हुए होने की बात भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीका से एक से बढ़कर एक अलग अलग चीज़ देखने को मिली थी उसे सभी लोग जानते हैं कि इधर ठीक नहीं है। यानी आप लोग जानते ही हैं कि निधि अपनी जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस चीज़ को बोल चुके हैं पहले भी। और एक बार फिर से बात की जाए लूत्रा परिवार की, तो लूत्रा परिवार का सामना होने जा रहा है प्रीता और साथ में प्रीता के बेटे के साथ में, जो हाँ, क्योंकि राजवीर इस समय मौजूद है और राजवीर टक्कर देता हुआ पूरी तरीके से नज़र आने वाला है, क्योंकि राजवीर ने बोल दिया है कि हम हार नहीं मान सकते, जो हमारे साथ में हुआ है हम उसे सूद समेत वापसी लेंगे इन लोगों से। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में एक बार फिर से दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर अनुरोध करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें।